2014 में मोनिका मोरे जो कि स्टेशन से जा रही थी और उनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। उस हादसे में उनके जो दोनों हाथ हैं कट गए और उनके हाथ जो हैं लाइफ टाइम उनसे जुदा हो गए। लेकिन अब मेडिकल साइंस की चमत्कारी के वजह से अब उनके जो हाथ हैं फिर से आ चुके हैं। हैंड ट्रांसप्लांट ये एक नया टर्म आया है। इसमें हैंड ट्रांसप्लांट यानी कि जो इंसान है उनके ही हाथ जोड़े जाते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास हाथ नहीं होता। और यही चमत्कार हम देख सकते हैं मुंबई में। मोनिका मोरे जो है अभी मेरे साथ हैं और इनका हैंड ट्रांसप्लांट जो ऑपरेशन किया गया है रिसेंटली और अब इनके हाथों में सेंसेशन आई है। तो मोनिका कैसे लग रहा है आपको ये जो मेडिकल साइंस की चमत्कारी हम देख सकते हैं, आपको एक नया जीवन इससे मिला है, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा मतलब ड्रीम ऐसा कुछ आगे है साइंस बहुत पता नहीं था, बाद में पता चला, फिर बाद में बहुत अच्छा लगा। और अभी ऑपरेशन को 10th मंथ हो गया, फिर भी धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जब आपके साथ ये हादसा हुआ था तब हर कोई ऐसा सोच सकता है कि उनकी जो लाइफ है अब आगे कैसे बढ़ेगी, लेकिन अब आपको एक ऐसा नया अपॉर्चुनिटी मिला है, अब आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब आपकी आने वाली लाइफ में आप क्या प्लान कर रही हैं? ऐसा कुछ प्लान नहीं है क्योंकि अभी मेरा फिजियो सब चालू है, बाद में फिर मेरा पूरा मतलब ये जो फिजियो ट्रीटमेंट है फिर सब मतलब खुद से जब करूँगी तभी सब मतलब जॉब पे जाऊँगी, ये सब प्लान। यानी कि आपको जॉब करना है, शादी करनी है, ये सब सारे जो सपने थे अब इस वजह से आपके पूरे होने वाले हैं। तो ये जो नई तकनीक है, ये जो मेडिकल साइंस की चमत्कारी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ा है। ये सब करने से अपने को खुद को एक अच्छा लाइफ मिलता है क्योंकि आप खुद कर सकते, दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते, खुद से मतलब पूरा किधर जाना है, किधर क्या करना है, क्या नहीं, जॉब पे जाना है, खुद से कर सकते, नहीं तो निराशा कुछ आता नहीं है, निराशा हो जाता है। फिर बाद में ये सब कर मतलब ये सब करने के लिए मैं डॉक्टर को, डॉक्टर नीलेश सैद भाई, इनका बहुत थैंकफुल है क्योंकि उनके वजह से आज मैं हूँ। और किरीट सोमया सर, इनके वजह से इन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा, क्योंकि एक्सीडेंट होने से मेरे साथ थे वो कंटिन्यू, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ, उन्होंने बहुत हेल्प किया मैं। जी, उसी के साथ आपके जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी एक संघर्ष देखा होगा और अब जाके आप एक आपकी लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटी आया है, आपके हाथ जो है फिर से आपके पास आ चुके हैं। तो आपकी फैमिली का क्या कहना है यहाँ पे और उन्हें कैसा लग रहा है? उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद से अभी छोटा छोटा जो चीज़ है उठा रही हूँ, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोग बहुत खुश है। और मेरे डैडी अब गुजर गए, उनके वजह से आज मैं हूँ। उनका बहुत ड्रीम था कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरा हैंड ट्रांसप्लांट हो जाए। वो अभी गुजर गए, फिर भी उनका मैंने ड्रीम पूरा किया जी। यहाँ पे हमारे साथ किरीट सोमैया जी जो हैं, जिन्होंने मोनिका और उनके पूरे परिवार को शुरुआत से मदद की, जो कि बीजेपी के नेता हैं। सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मोनिका है उनकी लाइफ में ये एक दर्दनाक हादसा हो, उसके बाद अब जाके एक नई उम्मीद उनके लाइफ में जगी है, तो आपका क्या कहना है इस पे? मोनिका एक मिशन है। पहले तबके में हमने मोनिका को कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक हाथ दिए थे जिससे भी वो लिख सकती थी, कंप्यूटर पर टाइप कर सकती थी, ऐसे हजार लोगों को हाथ और पैर दिए। अब ये दूसरे फेज में विज्ञान आगे गया है, हैंड ट्रांसप्लांट की हिंदुस्तान में मोनिका मिसाल बनने जा रही है। आज मोनिका का सफल ऑपरेशन हुआ है, कोविड समाप्त होते ही मूल उनकी 40 हॉस्पिटल में दूसरा, ग्लोबल हॉस्पिटल में तीसरा। इस प्रकार से हिंदुस्तान में मोनिका के द्वारा हम हैंड ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन करके लोगों को नया जीवन देना, ये मिशन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विज्ञान की जो विज्ञान जैसे कि आगे बढ़ा है, जिसके चलते कई सारे लोगों को नया जीवन मिला है, उसी के साथ मोनिका यहाँ पे एक मिसाल बन चुकी है। और इसी को देख के कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में निराशा देखते हैं कि उन्हें कभी भी ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा, उनकी लाइफ में उम्मीद नहीं जगेगी। तो हैंड ट्रांसप्लांट जो है ये एक नया पर्याय हम सामने देख सकते हैं, मेडिकल साइंस जो है दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।